Hey guys, good evening. Welcome to our channel, guys. Jai Hind, everyone. Guys, just wait. I'm late today. Okay, so just wait for me. जय हिंद. जस्ट वेट फॉर मी गाइज, मैं आ रहा हूँ आपके सामने अभी. वॉल्यूम के जो ज़ूम के साथ वाला बटन, पहले थोड़ा यहाँ नहीं ना, वो पीपीटी स्टार्ट कर रही है यहाँ पर, यही ना. चलिए. हाँ जी गाइस, गाइस वेलकम. कैसे हैं सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हमारी इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हुई थी, है ना. चले गाइस, गाइस हमने स्टार्ट की थी हिस्ट्री, है ना. हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी गाइस लेटर हड़प्पा से. सॉरी, अर्ली पीरियड से स्टार्ट किया था. अर्लियर एंशियंट हिस्ट्री के बाद हम हरप्पन एज पे आए थे, है ना. हरप्पन एज के बाद जो गाइस टाइम पीरियड है इसका, हरप्पन एज का 3000 to 1500 BC है. 1500 है गाइस ये. ओके, क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है सभी को? गाइस जो टाइम पीरियड था हरप्पा का वो है 3000 से 1500 BC. ओके, 1500 से आगे का जो टाइम होगा वो हरप्पन आपका वैदिक एरियड पीरियड होगा. 1500 से 1000 बीसी जो होगा वो होगा अर्ली वैदिक पीरियड. ओके, क्लियर है सभी को? अर्ली वैदिक पीरियड. चलिए गाइस, अर्ली वैदिक पीरियड एक इंपॉर्टेंट पीरियड है. इस टाइम पर ऋग्वेदा को कंपोज किया गया. ऋग्वेदा की जो कंपोजिशंस थी, जो फीचर्स थे, उसके ऊपर हिंदुज्म का बेस आता है गाइस, जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म में है हमारे पास हिंदुज्म. ठीक है, एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज है कि इस पीरियड के अंदर हिंदुज्म का राइज हुआ. मौर्यन पीरियड से लेकर कनिष्क के पीरियड के अंदर हिंदुज्म थोड़ा सा डिमिनिश हुआ, और फिर सुंगा डायनेस्टी एंड गुप्ता एम्पायर के बाद फिर उसका राइज हुआ. ठीक है, तो जो डिमिनिश पीरियड था इसके अंदर गाइस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने राइज किया था. गाइस अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऋग्वेदा पीरियड, हैं वैदिक टाइम्स में आ गए हैं हम, वैदिक टाइम्स में. ठीक है जी, वैदिक टाइम्स के अंदर हमारे पास मॉडर्न जो फॉर्म हिंदुज्म का है वो हम इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था. इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी. ओके, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन हुआ था ऋग्वेदा का कॉम्पोजिशन हुआ था, और 1000 से
500 बीसी के बीच में दूसरे जो वेदास हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनका कंपोजिशन हुआ था। उस टाइम की जो सोसाइटी है इस टाइम की वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इस पीरियड की जो सोसाइटी है वो सिंपल सोसाइटी है। ओके गाइज, इस टाइम के अंदर इट मीन्स वैदिक कल्चर के अंदर जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रांसमाइग्रेट करके वहाँ से लोकेट होकर वो गंगा वैली की तरफ आ गए थे, ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स की तरफ आ गए थे, ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स की तरफ आ गए थे। और वहाँ पर आने से और आर्यंस के अराइवल के बाद गंगेटिक प्लेन्स में आने के पास दो चीज़ें हुई, एक तो उनको ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिला, ठीक है, अलूवियल सॉयल मिला, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ही बड़े स्केल पर किया, ठीक है। सेकंड, आयरन ओर्स के रिजर्व वहाँ पे थे, आयरन को यूज़ इसी पीरियड में किया गया है। ओके, आयरन को, आयरन धीरे धीरे सिविलाइजेशन के अंदर आया, आयरन को जो अच्छे से इस्तेमाल कर सका, एक तो एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ, जो प्लो का टिप था उसके ऊपर उन्होंने आयरन को लगाया और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो खेतीबाड़ी करने लगे। सेकंड, जिसके पास आयरन का यूज़ होगा वहाँ पर वो बंदा लीडर होगा, ठीक है। सो मोनार्क धीरे धीरे एवोल्यूशन होना लगा इसी पीरियड के अंदर, ठीक है, किंग, सम्राट, प्रिंस धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक लीडर को इलेक्ट किया, उस लीडर के पास जब ज़्यादा पावर हो गई उसने ऑफिशियल सिलेक्ट किए, ठीक है, जब और ज़्यादा पावर होगी तो उसने अपने आप को किंग बना दिया। हाँ जी, टाइम लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। वैदिक पीरियड के अंदर आर्यंस का नाम बार बार आता है। आर्यंस कौन थे गाइस? जो पहले थिंकर्स थे, उन्होंने बोला कि सेंट्रल एशिया से एक क्लास इंडिया की तरफ आई या इंडस वैली की तरफ आई, उनकी आपस में लड़ाई हुई और आर्यंस ने अपने आप को सुपीरियर साबित करा, इंडो आर्यंस बोलते हैं ये, और वही वैदिक टेक्स्ट के कंपोजर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने उस कंपोजिशन के अंदर अपने आप को आर्यास बताया था, ठीक है, जिसका लिटरली मतलब होता है टू कल्टिवेट, ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए गाइस, अभी भी डिस्प्यूट में ये थ्योरी है, मैं आज अरपी सर को कह दूंगा, वो पीडीएफ इसकी डाल देंगे, ओके, पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, वो अभी डाल देंगे थोड़ी देर में, ओके, प्लीज वेट। ये जो गाइस डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी आर्यंस ने, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी डिबेट है कि आर्यंस का ओरिजिनल होम कौन सा था, क्योंकि 2019 में गाइस राखीगढ़ी एक प्लेस है, राखीगढ़ी, ठीक है, अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है तो कुछ फाइनल बोलना अभी मुश्किल है, लेकिन राखीगढ़ी से जो एग्जीक्यूशंस हुई है उससे यही चीज़ें सामने आती है कि आर्यंस इंडिया में नहीं आए थे, इंडिया के लोग ही ट्रांसमाइग्रेट होकर वर्ल्ड के दूसरे दूसरे कॉर्नर्स में गए थे, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, वो इंडियंस ही थे, ना कि वो लोग आके इंडिया में बसे थे, ठीक है। तो राखीगढ़ी ने सारा का सारा सर्कल अपसाइड डाउन टर्न कर दिया है गाइस, ठीक है गाइस। एक थिंकर्स ने बोला है, पुराने जो रिसर्चर्स थे, कि एक क्लास सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आई और उन्होंने यहाँ पर वो अपने आप को आर्यंस कहते थे और वही लोग हम ही लोग उन्हीं की जनरेशन्स हैं, ओके, ठीक है। चलिए गाइस, अधिकतर ये जो रिसर्चर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो आर्यंस है वो सदर्न साइबेरिया से आए हैं, ठीक है, एंड्रोनोवो स्पीसीज है, उन्हीं का एक क्लास था, सदर्न साइबेरिया से वो होके आए हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि आर्यंस
कौन से पीरियड में आए थे? टाइम पीरियड इज अर्ली वैदिक पीरियड, ओके, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्लियर है? चलिए गाइस आगे, जो गाइस कल्चर अपनी जेनिथ पे पहुंचा, अपनी जेनिथ पे पहुंचा वो इसी पीरियड के बीच में ही सारी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, एग्रीकल्चर भी हुआ, कैटल रेयरिंग भी हुआ, है ना, और नए नए गाइस रिलीजन के सोर्सेज भी सामने आए, ठीक है, और आर्यंस अपने साथ क्या लेके आए थे? हॉर्सेज लेके आए थे, स्पोक्ड व्हील्स लेके आए थे, जिससे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, स्पोक्ड व्हील की मदद से ही स्टोर करके एक कार्ट पर ढेर सारी चीज़ें डालकर वो एक प्लेस से दूसरी तरफ जा सकते थे और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, स्पोक्ड व्हीकल्स या स्पोक्ड व्हील्स के व्हीकल्स सामने आए। फायर कल्चर या फायर कल्ट्स, क्रीमेशन के डिफरेंट फॉर्म्स भी सामने आए इसी पीरियड में गाइज, ठीक है गाइज। उसके साथ साथ आर्टिफैक्ट्स, जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स थी या ऑर्नामेंट्स थे वो सभी, और सेरामिक्स की चीज़ें भी इसी टाइम पर बढ़ना शुरू हुई। हम ये कह सकते हैं कि आर्यंस अपने साथ लेके आए थे, ठीक है गाइज। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि सारे पीरियड को एक बार समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, टाइम कब से चलना शुरू हुआ है, उसके साथ साथ कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे गाइज, क्वेश्चन कल मैं आपके सामने एमसीक्यूज लेके आऊँगा, 50 एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबल, ओके, इसी पीरियड से, इट मींस अर्ली हिस्ट्री से और आपका हरप्पन सिविलाइजेशन से, वैदिक कल्चर से, और इसके बाद महाजनपद मैं अभी आज ही कवर करूँगा, ठीक है। स्पोक्ड व्हील्स गाइस, जो साइकिल में आप स्पोक्स देखते हैं वैसे ही स्पोक्ड व्हील्स, बैलगाड़ी में आप देखते हैं ना बुलक कार्ट में जैसे व्हील होता है वही सेम। गाइस इस मैप पे मैं वापस आऊंगा, ठीक है, अभी आगे चल रहा हूँ। गाइस आर्यंस किस एरिया में आकर सेटल हुए? सीधा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सप्त सिंधु, ठीक है। सब सिंधु में कौन कौन सी रिवर्स है गाइस? इंडस, ठीक है, सिंधु रिवर, और उसकी फाइव ट्रिब्यूटरीज जो है झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। गाइस झेलम को जो जाना जाता है वतीस्ता के नाम से जाना जाता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन आपके एनडी एग्जाम में लास्ट ईयर्स बहुत बार आ चुका है। झेलम, वतीस्ता, ब्यास, विपासा, चिनाब, अस्किनी, रावी पुरुषनी और सुतलेज सुतुद्री। एक स्क्रीनशॉट लेके इसको मेमोराइज कर लीजिए गाइस अच्छे से। ठीक है, फायर कल्ट का मतलब है गाइस, फायर एक होली काइंड ऑफ सिंबलिज्म के की तरह सामने होकर आई, और हम लोग जो चीज़ें हम वर्शिप करते थे वो फायर के अंदर ही डालते थे, और ऐसा मानना था कि वो आगे जाकर गॉड्स को या डेमी गॉड्स को मिलता है, ये थिंकिंग थी, आइडल वर्शिप नहीं थी। ठीक है, ठीक है जी, ये या गाइस याद कर लीजिए कौन सी रिवर को लोकल इस टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। और सतलज हो गया, ये पाँचों रिवर्स हो गई, और उसके साथ आपकी सरस्वती रिवर, ठीक है, मॉडर्न घाघरा रिवर या घग्गर रिवर। इस एरिया में आकर वो रुके, इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो वो आपका एरिया है गाइस मॉडर्न पाकिस्तान से लेकर इंडिया का पंजाब। ठीक है, क्लियर। यमुना रिवर का मेंशन भी आपको मिल जाएगा वैदिक पीरियड में, लेकिन बहुत ही रेयर है, दो बार उसको मेंशन किया गया, और गंगा को सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है। ठीक है, अर्ली पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो अभी माइग्रेशन की तैयारी में थी, वहाँ से माइग्रेट होकर वो गंगा की तरफ लेटर वैदिक पीरियड में आएगी। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, सप्त सिंधु गाइस, इंडस एक रिवर, उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज छह हो गई, और एक सरस्वती रिवर। ठीक है जी, चले गाइस। गाइस ऋग वैदिक पीरियड
ऋग वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया दो पीरियड के अंदर डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000, ठीक है। इसके अंदर गाइस ऋग वेदा लिखा गया है, ठीक है। इसको टेक्स्ट ऑफ द फैमिली भी कहा जाता है और इसको फैमिली बुक भी कहा जाता है। इसके जो जिन्होंने इसको कंपोज किया है वो आर्यंस के नाम से जाने जाते हैं। और गाइस उनके जो टीचर्स थे, मेजर टीचर्स जो हम सुनते आ रहे हैं, जहाँ से सारी जनरेशंस निकली हैं, विश्वामित्र, अत्रि, गृत समिता, वशिष्ठ और भारद्वाज, इन सभी का मेंशन आपको ऋग्वेदा पीरियड में मिल जाएगा, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड गाइस का टाइम पीरियड है 1000 to 500 BC। इसके अंदर गाइस जो 1, 8, 9 and 10 ऑफ द ऋग्वेदा वो लिखा गया है, ठीक है। ऋग्वेदा के अंदर और भी बुक्स ऐड की गई है, वो भी लास्ट के पीरियड में लिखी गई है। और इसके साथ साथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब भी इसी टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली लिखा गया है गाइस। इसको याद रखना है, आप सभी ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। क्या होगा, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपको सोसाइटी का पता लगेगा कि कौन कौन सी सोसाइटी कौन से पीरियड में आई थी, ठीक है। इस टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड था गाइस, इस टाइम पर इंद्र और वरुण प्रोमिनेंट थे, लेकिन इस पीरियड के अंदर वरुण की जगह गाइस विष्णु ने ले ली थी, ठीक है। चलिए, वेदास का मतलब होता है गाइस विद, विद से लिया गया, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में रूट, ओके। सभी चीजों की जड़, कैसे नॉलेज हमारे पास प्राइम होनी चाहिए, ऋग्वेदा का मतलब है कि प्राइम नॉलेज, ओके। और गाइस दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक बात समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एस्पेक्ट जो होता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है, दो पार्ट होते हैं ना उसके। एक तो हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारी अपब्रिंगिंग हमें मिलती है जो हम चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट। और हमारी एकेडमिक एस्पेक्ट, जिसको हम पढ़ के और अपना माइंड डेवलप करते हैं, क्लियर। वही सेम चीज वेदास के अंदर भी थी। जो वेदास थे वो गाइस श्रुति है, श्रुति मतलब जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी फैमिली वैल्यूज है, हम देख के सुन के बड़े हुए हैं जिसको, ठीक है। तो दो चीजें आपको बार बार सुनने को मिलेगी, एक श्रुति और एक स्मृति, ठीक है। स्मृति होता है पढ़ के याद करना, जो हमारी एकेडमिक एस्पेक्ट है, लेकिन श्रुति होता है हमारी अपब्रिंगिंग। तो ऋग्वेदास जो है वो श्रुति है, हमारी अपब्रिंगिंग है, ठीक है। उसको फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन बोलकर पास ऑन किया जाता है। ठीक है जी गाइस, जितने भी चारों वेद हैं आपके, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो आगे चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, संहिताज में, ब्राह्मणाज में, अरण्यकाज में और उपनिषद में, ठीक है। हर वेद के चार पार्ट है गाइस, इसके भी चार पार्ट हैं और इसके भी फोर पार्ट्स हैं। उन फोर पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं? संहिताज, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, उपनिषद। अरण्यकाज वर्ड KBC में आया था, 25 लाख का क्वेश्चन था ये, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ओके, क्लियर है गाइस। आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस। देखिए अभी हमें बहुत आगे तक चलना है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है क्या नहीं है। और गाइस लाइक्स नहीं आ रहे हैं वीडियोस पे, लाइक्स कीजिए और शेयर भी कीजिए इसको, देखिए मोटिवेशन हमें भी चाहिए गाइस। गाइस फोर वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। जिनको नहीं पता वो मेमोराइज कर ले, अदरवाइज आपको पता होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर गाइस, ऋग्वेदा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेदा के अंदर गाइस 1028 हाइम्स हैं और इसको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है और ये यूनेस्को के अंदर भी आती है, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। जो अर्लीस्ट मंडल है गाइस वो 2nd से लेकर 7 तक है और जो बाद दूसरे मंडल्स हैं उनको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, क्लियर। जो मंडल 1 और 9, 10th है उसको बाद में ऐड किया गया है
और गाइज इसके अंदर पुरुष सुक्ता का मेंशन है। पुरुष सुक्ता का मतलब होता है कि जो फोर वर्णास है आपके, ठीक है, कास्ट सिस्टम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र, उसका मेंशन आपको टेंथ मंडल में मिलेगा, टेंथ मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन खोलिए, आपको ये मिल जाएगा। हाँ जी, श्रुति वॉज द वे ऑफ अपब्रिंगिंग इन दैट एरा, ठीक है। ये गाइज पुरुष सूक्त क्या होता है, पुरुष सूक्त गाइज वर्णा सिस्टम है जिसके बेसिस पे सोसाइटी को बांटा गया था। फोर वर्णा सभी को पता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, जो गाइज पर्टिकुलर एक वेदा को पढ़ते थे ब्राह्मण्स, उनकी अलग अलग कैटेगरी थी। जो ऋग्वेदा को पढ़ते थे गाइज वो कोत्री, या मैं इसको बोलूँगा होत्री के नाम से ज़्यादा इसको जाना जाता है, हर जगह जो मेंशन है वो होत्री के नाम से ही है, होत्री है ना, होत्री, क्लियर। तो होत्री एक क्लास थी ब्राह्मिन्स की जो ऋग्वेदा को पढ़ती थी और पास ऑन करती थी नॉलेज, क्लियर। गाइज इसकी ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइज, जो मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में समझा रहा हूँ। सामवेद क्या होता है गाइज, सामवेद के अंदर मोस्ट प्रोबली सारा पोएटिक और सिंगिंग की कलेक्शन है ये। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज, ओके। और इसके अंदर गाइज ध्रुपद राग भी इसी के अंदर मेंशन किया गया है जो बाद में तानसेन ने गाया था, ठीक है। चलिए गाइज, इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएंगे नहीं गाइज, ठीक है, चलिए आगे। यजुर्वेद क्या होता है गाइज, इसके अंदर सेक्रीफाइसेस के ही प्रोसीजर को दिया गया है। ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ठीक है, चलिए गाइज। अथर्ववेद गाइज इसके अंदर डिजीजेस को आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम पीरियड चल रहा है गाइज, हम टाइम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक हमारे हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री में टाइम कब से स्टार्ट हुआ था, सिविलाइजेशन कब से इंडिया में आई थी, हमने वहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है ये, आपने नया ज्वाइन किया है तो आपने प्लेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कैल्कोलिथिक एज को समझ लीजिए, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड था आपका वैदिक पीरियड, ओके, ठीक है जी। चलिए, अथर्ववेद गाइस ये था स्पिरिट्स को, डिजीज को वार्ड ऑफ करने के, जो भी ब्लैक मैजिक ऐप कह सकते हैं उसी का सभी कुछ दिया हुआ है अथर्ववेद के अंदर। 20 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है ये, 711 हाइम्स है इसके अंदर, ठीक है, इतना ही जानिए बस गाइस, ठीक है। चलिए गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर वेद फोर पार्ट्स के अंदर आगे डिवाइडेड है। गाइज बोर करती होगी आपको ये, लेकिन मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस का एरिया है ये हिस्ट्री, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बिटर ट्रूथ की तरह आपको पीना ही पड़ेगा, आप बोर होते हो चाहे नहीं होते हो। 15 क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है तो 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं इतनी जो एफर्ट्स दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बेसिक से पता लग जाए, ठीक है, कि टाइम कब से स्टार्ट हुआ था, आगे कौन कौन सी किंगडम्स आएंगे, उनको कैसे अरेंज करना है, ये एकदम इजी होगा आपके सामने, ठीक है। अभी बिना पढ़े आप जाएंगे और चार जनरेशंस आपके सामने, चार किंगडम्स आपके सामने आ गए, तो आप कैसे उसको अरेंज करेंगे जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी। तो ये नॉलेज आपने डेवलप करनी है, ये सारी की सारी क्लासेस मैं आपकी नॉलेज डेवलप करने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है जी। सारी की सारी जो हम प्रोसेस में हैं अभी वो आपकी नॉलेज डेवलप करने के लिए है। कितनी नॉलेज डेवलप हुई है आपकी, ये मैं आपसे कल पूछूंगा जब मैं 50 MCQs लेके आऊंगा आपके सामने, अर्ली अर्ली हिस्ट्री से, हरप्पन हिस्ट्री से,
और आपका वैदिक पीरियड से, और यहां से महाजनपद, महाजनपद के बाद क्या हुआ गाइस, मौर्यन एम्पायर आया, कुशांस आए, सातवाहन आए, हर्षा आया, फिर उसके बाद मुस्लिम्स आए। इन सबको कैसे पढ़ेंगे हम, टाइम पीरियड से तो पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये ब्राह्मणास क्या है गाइस, ब्राह्मणास एक पार्ट है ये हर चारों वेदास का, जितने भी फोर वेदास है, 1, 2, 3, 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, वो चारों आगे चार पार्ट में डिवाइडेड हैं, जिसके अंदर ब्राह्मणास एक पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर गाइस सैक्रिफिशियल सेरेमोनीज की, सारे परफॉर्मेंस की रिचुअल्स इसके अंदर दिए गए हैं, सेक्रीफाइस कैसे करना है, कौन से ओकेजन पे कौन सा सेक्रीफाइस करना है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सैटरडे संडे होगा इस करंट अफेयर्स आते हैं, जय हिंद, ठीक है जी। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण इज द स्थापत ब्राह्मणा, ठीक है, विच अटैच्ड टू द यजुर्वेदा एंड द मोस्ट एग्जॉस्टिव, सबसे बड़ा ब्राह्मणास है वो, जैसे मैंने आपको बताया गाइस, ये तो समझ गए होगे आप ब्राह्मणास क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा ब्राह्मणास है वो स्थापत ब्राह्मणा है, कौन से वेदा का पार्ट है, वो यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है। चलिए, अरण्यकास गाइस, सबसे पहले अरण्यकास का मतलब समझिए, जो फॉरेस्ट में अपना सर्वाइव करते हैं हर्मिट्स, ठीक है, जो नॉलेज गेन करने गए, जैसे बुद्धा गए थे ना अपने घर को छोड़कर और चले गए थे फॉरेस्ट में ट्रूथ की फाइंडिंग में, वैसे ही सेम अरण्यकास जो फॉरेस्ट में जाके अपना सर्वाइव करते हैं, हर्मिट्स की तरह रहते हैं, मॉन्क्स की तरह रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट बुक 25 लाख का क्वेश्चन था ये आपके केबीसी में, ठीक है जी। अरण्यकास के अंदर गाइस एक बात बोली गई थी कि सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, सैक्रिफाइसेस करते थे, ठीक है, सैक्रिफाइस शुरू से ही होते हैं, ठीक है, एनिमल को स्लॉटर करना सैक्रिफाइसेस, उसको अपोज करते थे जो ट्रुथ की फाइंडिंग में अरण्यकास हर्मिट्स थे, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस, इतना गाइस इतना बताना मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है जो गाइस यहाँ से वो एंशियंट हिस्ट्री से आपके देखिए 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, लेकिन वो कहाँ से पूछेगा यूपीएससी, ये हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, तो हमारा क्या काम है, हमें तो रेडी होके जाना है ना, तो हम रेडी हो रहे हैं। उपनिषद गाइस, 108 उपनिषद टोटल हैं, लेकिन उसमें से जो 13 उपनिषद है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, मुंडका उपनिषद, सत्यमेव जायते मुंडका उपनिषद से लिया है, ठीक है। गाइस, 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में क्लियर कट आइडिया दिया है चंडगोया उपनिषद ने, ठीक है, उसने बोला कि अनुमोल मैरिज होगी जो सेम कास्ट के लोगों की होती है, और प्रतिमोल मैरिज जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, ठीक है जी। ऑलराइट गाइस, ये फैक्ट एक बार आप बिठा लीजिए अपने माइंड्स के, ठीक है। ठीक है गाइस, क्लियर है, उपनिषद तक हो गया, वेदांत गाइस, वेदास का एंड, ठीक है, वेदों का अंत, लास्ट पार्ट्स ऑफ वेदास, उसको बोलते हैं वेदांता, ठीक है। इसका जो गाइस एम था वो यही था कि जो वेदास है उसको रिवाइव करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बुद्धिज्म स्टार्ट हो गया था, बुद्धिज्म के स्टार्ट होने की एक मेन वजह थी कि जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी गाइस वो पाली लैंग्वेज थी, उस टाइम पे पाली कॉमन्स की लैंग्वेज थी, मासिस की लैंग्वेज थी, और जो वेदास की लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज थी, ठीक है। तो कम्युनिकेट कैसे होगा, जो आप बताना चाह रहे हैं और लोगों की लैंग्वेज वो नहीं है तो कैसे समझ आएगा लोगों को, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म ने ये काम किया, उन्होंने जो भी अपना लिटरी
जो भी कंपोज किया उन्होंने वो मासिस की लैंग्वेज में किया, इसलिए बुद्धिज्म एकदम प्रोमिनेंस पे पहुंचा और हिंदुज्म एकदम नीचे आ गया। ठीक है, हाइम्स मतलब गाइस मंत्र उच्चारण, ठीक है, लेटर पीरियड ऑफ द वैदिक, वैदिक के लेटर पीरियड में ये वेदांत लिखे गए थे। वेदांग गाइस, वेदांग होता है वेदों का पाठ, अंग मतलब पाठ, ठीक है, लेम्स ऑफ द वेदास भी इसको बोलते हैं, लेम्स ऑफ द वेदास भी इसको बोलते हैं गाइस। इसके अंदर छह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर सिक्स सूत्रास के अंदर ये डिवाइडेड है, सूत्रास के अंदर इसके अंदर शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और चंड, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा गाइज, लेकिन एक बार आपने इसको पढ़ना है, फेमिलियर जरूर होना है, ठीक है, फेमिलियर जरूर होना है, ठीक है। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, ऋग्वेदा की सोशल लाइफ कैसी थी देखिए गाइज, हुआ क्या था अर्ली पीरियड में, अर्ली वेदास में, अर्ली वैदिक पीरियड में जो अर्बन फेज था हरप्पन सिविलाइजेशन का वो एंड हो चुका था या अपने डिक्लाइन पे था। ठीक है, तो अब लोगों के पास अलग अलग काम करने के साधन थे, दूसरे मींस थे। ठीक है, वो गाइस कैटल रेयरिंग भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, इंडस्ट्रीज भी थी। ठीक है, अब हरप्पन्स का डिक्लाइन हुआ तो इसका मतलब है कि वो उस एरिया को अब छोड़ चुके थे लोग या छोड़ने की तैयारी में थे, तो वो इंडस वैली को छोड़कर गंगा की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, वो नए नए तरीके निकाल रहे थे माइग्रेट होने के, लोकेट होने के नए नए तरीके निकाल रहे थे गाइज वो सर्वाइव करने के। ठीक है, नई चीज़ों को, नए एरियाज में जाकर वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग फेज था गाइज हरप्पा से लेकर वैदिक पीरियड तक का। ठीक है, इसीलिए जो आप सोसाइटी देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में उसके अंदर आपको किंग्स भी मिलेंगे, है ना, और आप लैंड एक्सपेंशन की फिलोसफीज भी मिलेगी जो किंग्स बन गए थे। लेकिन इस पीरियड के अंदर गाइस अभी सिर्फ एक टेक्स्ट दिया गया ऋग्वेदा, उसके अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ मान लिया कि उस टाइम पे क्या होता होगा, होता होगा। ओके, पाथफाइंडर अच्छी है गाइस, ठीक है, क्या होता होगा गाइस, जो आर्यन ट्राइब थी वो अपने आप को जन बोलती थी, जन, ठीक है, जो जन का लीडर था वो राजन होता था। ठीक है, राजन का मतलब होता है किंग। ठीक है, जो ट्राइब थी वो जन के नाम से जानती थी, उनका जो चीफ था वो राजन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसको गोपत या गोपा भी बोलते थे क्योंकि कैटल रेयरिंग के अंदर अब वेल्थ जिसके पास अच्छी होगी वही लीडर होगा, और वेल्थ किसको माना जाता था, काओ को वेल्थ माना जाता था इस पीरियड में। ठीक है, और जो क्वीन होती थी उसको गाइज महिषी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महिषी के नाम से गाइज, एक इस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर पूरी की पूरी फैमिली को डिवाइड या कंसिडर नहीं कर सकते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, इस टाइम पर एक ही फैमिली के अंदर क्षत्रिय भी हो सकता था, एक पर्सन इंडिविजुअली, उसके फादर ब्राह्मिन्स भी हो सकते थे, उसका ब्रदर वैश्य भी हो सकता था। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन जो था वो पूरी की पूरी फैमिली को के लिए नहीं था। ठीक है, ऋग्वेदा के अंदर एक वर्स है, उसके अंदर लिखा है किसी के बारे में कि आई एम अ पोएट, ठीक है, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर हु ग्राइंड्स ग्रेन्स अपॉन द स्टोन्स स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ। ओके, तो एक फैमिली एक पर्टिकुलर काम नहीं करेगी, एक फैमिली के अंदर
गाइज आई की बुक यस्टरडे आई फेल फ्रॉम दिस स्टेयर्स, तो मुझे लगी हुई है अभी बॉडी में चोट आई हुई है कहीं जगह, ठीक है क्लियर। तो उस टाइम की सोसाइटी बहुत ही सिंपल सोसाइटी थी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं थी, इस बात को आप समझ लीजिए। कलर के बेसिस पर डिवाइड जरूर करते थे वो सोसाइटी को, ठीक है, कि ये वैदिक पीपल है और ये नॉन वैदिक है कलर के बेसिस पे। दास या स्लेवरी सिस्टम भी उस टाइम पर प्रेवलेंट था, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुरुष सूक्त के अंदर वर्णा सिस्टम चलता था, इट मींस कास्ट सिस्टम भी चलता था, ठीक है, लेकिन वो सोशल हायरार्की को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता था, ठीक है। हाँ जी मैं ठीक हूँ, कहीं कहीं चोट लगी जैसे फिंगर ये ब्लू हुई है सारी, ठीक है गाइस। गाइस इसका मेन जो पर्पस है इस सोशल अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी को समझने का वो यही है, सिर्फ आपने डेवलप करना है, माइंड क्लियर करना है कि कैसे आगे जाके कॉम्प्लेक्स हुई थी चीज़ें। इस टाइम पे जो वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन की कंडीशन थी 1000 to 500 BC वो अच्छी नहीं थी गाइस, बहुत डिस्टर्बिंग थी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए गाइस, उसके अंदर PDF मिलेगी आपको। गाइस आर्यंस ने दो टाइप ऑफ बैटल्स का जिक्र किया इसके अंदर, उसके अंदर से मैं एक बैटल आपको बताऊंगा, दस राजन वॉर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इट वॉज फॉट बिटवीन दी भरत चीफ सुदास कौन था, भारता चीफ था, आर्यन था वो, इसका मतलब वो सेंट्रल एशिया से आया था, है देवोदास उसके ग्रैंडफादर का नाम था, वो एक साइड पे था, और दूसरे 10 ट्राइब्स जिसके अंदर गाइज पंचाल थे, यदु थे, पुरु थे, ध्रुयु थे, ये सभी एक तरफ थे, ठीक है। द बैटल ऑफ दस राजन मतलब 10 किंग्स, उसकी एक तरफ भारता था, भरत कौन था पर्सन, उसका नाम था सुदास, और दूसरी तरफ दूसरे ट्राइब्स थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशंस उस टाइम पे कौन कौन सी थी गाइस, एक पुरोहित था, पुरोहित आप समझ ही गए होंगे, ब्राह्मण क्लास, ठीक है, सेनानी क्षत्रिय क्लास, ठीक है, और ग्रामणी लीडर ऑफ द विलेज, क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। और उस टाइम पर जो मेजर असेंबलीज थी, मैंने आपको बताया कि मोनार्किकल स्टार्टिंग फेज में था, स्टार्ट होना शुरू हो गया था वो। गाइस सेकंड नंबर लिखा है उसके ऊपर वीडियो पे, हर वीडियो पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नाम से लिखा है, ठीक है। तो मेजर असेंबलीज कौन सी थी, सभा ये स्मॉलर बॉडी थी, ठीक है, समिति ये जनरल बॉडी थी, गाइस जनरल बॉडी जैसे लोकसभा के अंदर बड़ी होती है, राज्यसभा के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, सेम सभा एंड समिति, ठीक है। विधाता और गण, असेंबली ऑफ और ट्रूप्स को बोलते थे गण, ठीक है, विधाता किसको बोलते थे, ट्राइबल असेंबली, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर सभा और समिति क्या है उसका एवोल्यूशन यहीं से होना शुरू हुआ है, ठीक है, सभा समिति का, इसको जानेंगे। पुरोहित सेनानी ग्रामणी भी पढ़ेंगे। ऋग्वेदा की इकोनॉमी कैसी थी गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब कैटल रेयरिंग उनका प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, उसके अंदर गायें जो थी, काओ जो थी, वो वेल्थ मानी जाती थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा काओ होगी वो उतना ही अमीर होगा, ठीक है। द चीफ मेजर ऑफ वेल्थ वॉज द कैटल एंड द वेल्थी मैन नोन एज गोमत, जिसके पास जितनी काओ होगी वो गोमत होगा, वो उतना अमीर होगा, ठीक है। बाटर के बेसिस पे ही सारे काम होते थे, बाटर वॉज द मॉडल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। चलेगा जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, पर्टिकुलर कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था गाइस के अंदर, ठीक है। और जो चीफ था उसी को गाइस बलि आप कह सकते हैं, ट्रिब्यूट्स
उसी के बेसिस पे उसका सारा का सारा रिवेन्यू उसके पास कलेक्ट होता था। ठीक है गाइज, एक वुडन प्लो ऋग्वेद टाइम्स में मिला है, वुडन प्लो के बारे में वो जानते हैं। ठीक है, और जो वैदिक गॉड है इंद्रा, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गॉड है। ठीक है, उसको क्षेत्रपति के नाम से भी जानते हैं। उसका यही काम था कि एग्रीकल्चर फील्ड को वो प्रोटेक्ट करता है सबकी। मेटलर्जी के बारे में जानते थे। लेटर वैदिक पीरियड में गाइस आयरन आया था और ये कॉपर का यूज करते थे। ठीक है, दूसरे दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी वो कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, सुइंग, वेविंग। ठीक है, इतनी इंडस्ट्रीज भी थी इनके पास। शैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग वर पॉपुलर पास टाइम्स। गाइस रिलीजन कैसा था? कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी ऋग्वेदिक के रिलीजन में, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। ठीक है, यज्ञ ही करते थे, ये ओपन एयर का यज्ञ करते थे, यज्ञ करके ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग में सब चीजें डालते थे, यज्ञ ही करते थे। ठीक है गाइस, मीट ईटिंग चलती थी उस टाइम पे, और सैक्रिफिशियल किलिंग एनिमल स्लॉटर भी होता था, लेकिन काओ का नहीं होता था। ठीक है, काओ वेल्थ का एक मीडियम माना गया था। क्लियर गाइस, इंपॉर्टेंट जो गॉड्स थे इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोम। ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट और किंग ऑफ गॉड्स, स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मणास। ठीक है, सो इंद्र एंड वरुण दो प्रोमिनेंट गॉड इस पीरियड में थे। वुमेन की कंडीशन कैसी थी गाइस? हाईएस्ट स्टेटस उनको दिया गया था, है? दे कंट्रोल द हाउस होल्ड अफेयर्स जैसे आजकल करते हैं वैसे ही। दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेक्रीफाइसेस एंड अदर डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस। पर्दा सिस्टम नहीं था गाइस। ठीक है, और अपने चॉइस के लोगों से वो मैरिज भी कर सकती थी, इतनी फ्रीडम थी। ठीक है, और जो चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी उस टाइम पे। सती जो था गाइस वो फैमिलियर थे वो सती के कस्टम से, लेकिन वो रॉयल फैमिलीज या वेल्थी फैमिलीज के बीच में ही चलता था। ठीक है, और जो डोरी था वो भी चलता था, लेकिन वो सिंबॉलिक था, जिसके पास पैसे हैं जो दे सकते हैं वो ही देंगे। ठीक है, कोई कस्टम नहीं था। क्लियर, आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस। इससे पहले पढ़ी थी गाइस ये चीज़ें। गाइज लेटर वैदिक पीरियड टाइम पीरियड इज 1000 to 500 BC। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे गाइज इसको। सोसाइटी गाइज इसको कितना एक्सप्लेन करूं मैं, डेप्थ में पढूं? इसको गाइस डेप्थ में ही नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, मैंने इसके बहुत से पॉइंट्स जो क्लियर कर चुका हूं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अब वो सप्त सिंधु से मूव करके गाइस गंगा वैली की तरफ कंट्रोल कर रहे थे, जो उस टाइम पे आर्यंस थे, जो लेटर वैदिक इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आर्यंस थे। अब वो इंडस से मूव करके अलूवियल सॉइल की तरफ आकर यमुना गंगा दोआब के बीच में आके सेटल हो रहे थे। ठीक है, दिस इज यमुना, दिस इज गंगा, दिस इज इंडस। यहाँ से मूव करके अब वो यूपी बिहार रीजन में आ रहे थे। ठीक है, मेन इंडियन मेन लैंड के अंदर एंटर कर गए थे। ठीक है जी, तो जो ये प्रोसेस थी इंडस से गंगा की तरफ आने का गाइज, उससे सोशल कंडीशन भी चेंज हुई, पॉलिटिकल कंडीशन भी चेंज हुई, इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हुई, और रिलीजियस स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। ठीक है जी, इसके लिटरेरी सोर्सेज क्या मिलते हैं गाइज, हमें पहले ही पता है कि इस पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया था, जो सारे के सारे कंटेक्स्ट हमें इसी
बुक से मिलता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपके सामने बता चुका हूँ, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। गाइज गिव मी अ चेयर, जिनको सभी चीजें क्लियर है अभी तक, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, गिव मी अ चेयर अप गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जाग जाइए फटाफट, चलिए जल्दी से आप भी जागिए और मुझे भी मोटिवेशन दीजिए जल्दी से गाइज। गाइज कम ऑन गिव मी अ चेयर अप फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको लाइक्स मुझे शो करेंगे पहले। चले गाइस जल्दी से जाग जाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फोकस कीजिए गाइस, फोकस नहीं खोना है, बी अटेंटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। बी अटेंटिव गाइस, जागिए, जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए पहले फटाफट। चलिए ठीक है, ये मैं सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ गाइस। समिताज, अरण्यकाज, वेदांग, वेदांत, ये सभी, और इसके साथ साथ पुराण, ये भी इन्हीं पीरियड में लिखे गए हैं, ठीक है। जो जो एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, वो भी इसी पीरियड में लिखी गई है, पीरियड इज 1000 to 500 BC, ठीक है जी। और जो ज्योग्राफिकल फोकस है ऑफ दिस फेज वाज ऑन द टेरिटरीज ऑफ द अपर गंगा बेसिन, गंगा बेसिन की तरफ अब लोग आके सेटल हो गए हैं, ठीक है, जाके सेटल हो गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या मिलते हैं गाइस, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो भी एक्सकवेशंस हुई है कार्बन डेटिंग से, वो इसी पीरियड को शो करती है, और यूपी, हरियाणा, राजस्थान का पीरियड है आपका। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। गाइस हमेशा मैं पोट्री के बारे में बताता हूं, ठीक है। इससे पहले जो पोट्री थी, जो इससे पहले हरप्पन पीरियड में जो पोट्री थी वो रेड एंड ब्लैक वेयर था, रेड एंड ब्लैक वेयर, क्लियर। जो इस टाइम पे पॉटरी आई है गाइस वो है पेंटेड ग्रे वेयर, और इसके बाद जो पेंटिंग आएगी वो होगी NBPW, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये अशोका के टाइम पे पॉपुलर हुई थी गाइस। एक चीज आपने देखी होगी, अशोकन पिलर्स है ना, अशोका के जो पिलर्स हैं वो कितने स्मूथ है, कितने शाइन करते हुए हैं, और इतने अच्छे से उसको गाइस बनाया गया है, अलॉय किया गया है कि उसके ऊपर आज तक रस्ट नहीं लगा है ना, शाइन भी अभी तक कर रहे हैं। सो वो इसी टेक्निक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस टाइम पर जो पॉटरी यूज करते थे लोग वो थी पेंटेड ग्रे वेयर, हरप्पन टाइम पे यूज करते थे रेड एंड ब्लैक वेयर, क्लियर। हल, हल गाइस, हल होता है ना खेती में यूज करते हैं, गाइस 700 पेंटेड ग्रेवियर साइट्स मिली है गंगा बेसिन के आसपास, ठीक है। चलिए गाइस जल्दी जल्दी जल्दी, जो पेंटेड ग्रेवियर की जो गाइस इंपॉर्टेंट साइट है वो है अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अही क्षेत्रा, नो हस्तिनापुर, ठीक है गाइस। इस टाइम पे अगर महाभारत लिखी गई है, और महाभारत में हस्तिनापुर जो मॉडर्न मेरठ है, ओके, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्रा, महाभारत में कुरुक्षेत्रा में लड़ाई हुई थी है ना, भगवानपुरा एंड जखेड़ा, तो इसके अंदर से गाइस अतरंजी खेड़ा, अही क्षेत्रा, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्रा जो साइट्स हैं वो महाभारत के अंदर भी मैंशनड है, ठीक है जी। आर्कियोलॉजिकल गाइस, पुरानी हिस्ट्री की के जो एविडेंसेस हैं उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं,
अनर्थन करके जो भी चीज़ें निकली उस टाइम की, जो बिल्डिंग्स को कार्बन डेटिंग से मेजर करके उसकी डेट, उसकी एज, ये सब आर्कियोलॉजी का पार्ट है गाइस। हिस्ट्री को पढ़ना उस टाइम के एविडेंसेस को पढ़कर, क्लियर जी गाइस। आयरन का यूज अब ये लोग बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे करने लगे थे, ठीक है जी। चलिए गाइस, आयरन को वैदिक टेक्स्ट के अंदर किस नाम से जाना जाता है? आयस। गाइस ये 5 times से भी ज्यादा बार आ चुका है आपके एनडीए में। आयस क्या होता है, आयस क्या होता है, आयस क्या होता है, आयस गाइस बोलते हैं आयरन को, ठीक है, आयरन को, आयरन को आयस, ठीक है जी, ठीक है। गाइस मैं बीच में से कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या पता यूपीएससी नेक्स्ट ईयर क्या पूछेगा आपसे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होती है, ठीक है। क्लियर माइंड वही सब कुछ होता है। तो ये क्लियर माइंड से मैं सर इतना ही मेहनत कर रहा हूँ गाइस, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि किस पीरियड पे क्या हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है। गाइस आयरन टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ा, मैं इस स्लाइड को 2-3 लाइनों में ही समझा देता हूं गाइस। एक तो आयरन का यूज होने से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, ठीक है। उनको पॉटरी बनाने में भी आसानी हुई, उनको कल्टीवेशन में भी आसानी हुई, ठीक है। और गाइस उस टाइम के जो टूल्स थे, जो वेपन्स थे, उसके अंदर भी नई नई शेप्स आई, ज़्यादा शार्प वेपन्स आ गए, ज़्यादा बड़े वेपन्स आ गए, है ना, आयरन के। तो जिसके पास ज़्यादा वेपन वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आया, और जो लीडर था उसको और ज़्यादा पावर्स मिली, उसके और ज़्यादा एरिया बढ़े, तो वही बाद में जाके सम्राट बना, प्रिंस बना, किंग बना, और किंगडम्स की शुरुआत हुई। ओके, सबसे पहले जो किंगडम्स था, जो किंगडम था वो था हिरण्यका डायनेस्टी। ओके, हिरण्यका डायनेस्टी के अंदर अजात शत्रु इम्पोर्टेंट है। अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी और वो गौतम बुद्ध का कंटेम्प्ररी है। उसके बाद गाइस शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आपका नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अभी मैं इतना ही बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे गाइस। गाइस कल मैं पूछूंगा ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू जब लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है गाइस, इस टाइम पे जो एग्जीक्यूशंस हुई हैं उसके अंदर आयरन की जो यूज है उसका ज्यादा एग्जांपल्स मिलने लगे, जैसे एरो हेड्स भी मिले हैं, स्पेयर हेड्स भी मिले हैं, और प्लो का जो टिप है वो भी लोहे का बना हुआ था, ठीक है। ये सब चीजें हमें एग्जीक्यूशंस में इस टाइम मिलने लगी। इससे ये क्लियर हो गया गाइस कि आयरन का यूज अब एग्रीकल्चर के अंदर भी आ गया था और नॉर्मल लाइफ में भी आ गया था, ठीक है जी। इकोनॉमी उस टाइम की कैसी थी गाइस? सिंपल सी बात है, वो एलुवियल लैंड की तरफ माइग्रेट कर गए थे गंगा यमुना दोआब में, तो उस टाइम पे गाइस उनको मिला था ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन था वो ज्यादा प्रोमिनेंस फिगर बन गया था, ठीक है जी। चलिए गए उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर करते थे तो कौन कौन सी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थी? राइस एंड आपका वीट। ओके गाइस, राइस को लोकल टेक्स्ट में, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता था? व्रीही के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है गाइस। भाला गाइस, भाला स्पेयर हेड, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो गाइस? स्पेयर हेड भाले को बोलते हैं ना। राइस, राइस को किस नाम से जाना जाता है वैदिक टेक्स्ट में? व्रीही के नाम से, ठीक है। ठीक है गाइस,
गाइस सेल्फ रिलायंट हो गए थे ये लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे करने लगे थे, ज़्यादा लार्ज स्केल पे करने लगे थे, है ना। ठीक है, ज़्यादा पैमाने पे करने लगे थे, तो अब वो सेल्फ रिलायंट हो गए थे, वो स्टोर भी कर सकते थे और दान के काम भी कर सकते थे। तो दान में क्या क्या चीज़ें वो देते थे, ठीक है गाइस, वो काओ भी देते थे ट्रिब्यूट्स में, हैं गोल्ड भी देते थे, कुक्ड राइस भी देते थे, ठीक है, और कल्टिवेटेड फील्ड भी दे देते थे कभी कभी तो ब्राह्मण्स को, ठीक है, ओके। तो यह चीज़ इंडिकेट करती है, जब गोल्ड और ब्राह्मण्स को पूरा का पूरा लैंड भी दे देते थे, तो यह चीज़ क्या शो करती है कि उनके पास एक सेटल्ड इकोनॉमी थी, है ना, और एग्रीकल्चर अपने प्रोमिनेंस पे था, ठीक है जी। चलिए जी, पॉलिटी मैंने आपको पहले बताया गया, जन एक बेसिक यूनिट थी, ठीक है, जन पॉपुलेशन, ऑलराइट, उनका जो लीडर था वो राजन था, राजन, ठीक है, लीडर राज। जनपद किसको बोलते थे, वो लैंड को बोलते थे, अपने एरिया को बोलते थे जनपद। वैदिक टेक्स्ट में इसका मेंशन है गाइस, फर्स्ट टाइम इसको मेंशन किया गया था, ठीक है। तो हर एक ट्राइब ने अपनी वेल डिफाइंड टेरिटरीज मेंशन कर रखी थी, ठीक है जी। उसके अंदर जो एक फेमस ट्राइब थी वो थी कुरुस, ठीक है, कुरुस जो गंगा यमुना द्वाब को कंट्रोल करती थी, उसके साथ साथ पंचाल, है ना, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसके अंदर जो द्रौपदी थी उसको पंचाली बोला जाता था, क्योंकि वो पंचाल से मैरिज करके कुरुस के पास आई थी, है ना, तो पंचाल, ठीक है जी। चलिए गाइस मैट्रिमोनियल अलायंस भी आ गए थे पिक्चर के अंदर, बढ़ने लगे थे। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब है कि एक ट्राइब के लोग दूसरी ट्राइब से मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इससे गाइस बाद में क्या हुआ, क्या इसके इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट यह हुआ कि जो लैंड थी अब वो इंपॉर्टेंस गेन करने लगा था, जिसके पास ज्यादा लैंड होगी लेटर पीरियड में, जिसके पास ज्यादा लैंड होगी वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजन होगा, ठीक है। सो वहाँ से निकल के आए थे आपके महाजनपद, महाजनपद यहाँ से मोनार्की की शुरुआत हुई थी, मैंने पहले ही बोला था आपको, ठीक है। गाइस सीएबी मैं आज बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं उसको करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, अब मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा सैटरडे को, एंड लेट मी स्टिक टू द प्लान्स प्लीज, ओके, लेट मी स्टिक टू द प्लान्स। गाइस इसको मैं बातों बातों में सब कुछ बता चुका हूँ कि राजन कौन था, ठीक है, वो किस टाइम पे आया था, और उसने गाइस अपने आप को क्षत्रिय कम्युनिटी से ही बिलोंग कर लिया था, क्योंकि कास्ट सिस्टम अब आ चुका था, है ना, ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्यस भी थे, शूद्रास भी थे। तो क्षत्रिय जो होगा उसका मेन पर्पस यही होगा, लीडर बनना, ठीक है, लड़ाई करना और अपने लैंड की एक्सपेंशन करना, ठीक है जी, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब्स, ये मतलब होता है क्षत्रिय का, ठीक है, अपने क्षेत्र की जो रक्षा करे, अपने एरिया की जो रक्षा करे, उस एरिया में रहने वाले पॉपुलेशंस की जो रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे, वो क्षत्रिय है, ठीक है जी, क्षेत्रिय क्षत्रिय है, ठीक है। चलिए गाइस इसके अंदर अलग अलग सेक्रीफाइसेस का भी नाम लिया गया है, राजसुआ, अश्वमेधा और वाजपेया, अलग अलग काइंड के वो सेक्रीफाइसेस थे। इसके अंदर अश्वमेधा बहुत इंपॉर्टेंट था, अश्वमेधा होता था कि एक हॉर्स को छोड़ दो, ठीक है, जो नहीं रोकेगा उस हॉर्स को तो उसने उसको उनकी सुजनिटी एक्सेप्ट कर ली है, और जो रोकेगा उसको लड़ना पड़ता था आके किंग के साथ, ठीक है। तो अश्वमेधा यज्ञ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस आगे चल रहा हूं मैं, उस टाइम पे गाइस जो सेक्रीफाइसेस होते थे वही ज्यादा होते थे, वही मेन रिलीजन का फॉर्म था,
ये यजुर्वेद और आपके ब्रह्मनास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। पब्लिक सेक्रीफाइसेस भी होते थे जो राजा सुआ और बाजा पया थे, ठीक है। अश्वमेधा वॉज कंडक्टेड ऑन अ मैसिव स्केल, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। चलिए गाइस, गाइस इस टाइम पे जो रूलर्स थे, जो गॉड्स थे, जो गॉड्स थे इंद्र और अग्नि और वरुण, वो अपना प्लेस खो चुके थे, ठीक है। उनकी जगह प्रजापति ने ले ली थी, प्रजापति ने जगह ले ली थी। उसके साथ साथ रुद्रा, वो भी एक गॉड बन के सामने आए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइस विष्णु भी पिक्चर में आ गए थे। अब विष्णु भी यूनिवर्स के प्रोटेक्टर माने जाते थे, ठीक है जी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। और सावित्री जो गाइस गायत्री मंत्र जिनको डेडिकेट होता है, ठीक है, उनका भी मेंशन हुआ है लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट में, ठीक है जी। चलिए, आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस। गाइस प्लीज स्टिक टू द प्लान्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल गाइस, अब मैं सैटरडे को लेके आऊंगा करंट अफेयर, सिर्फ सैटरडे इसको। गाइज इन सभी चीज़ों को मैंने रिपीट मोड में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन मैंने सब कर दिया है, ठीक है जी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये मैं बता चुका हूँ सभी चीज़ें आपको, ठीक है। आश्रम, डिफरेंट टाइप ऑफ आश्रम्स का भी जिक्र इसके अंदर हुआ है, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य, है ना, ये सब चीज़ें। गाइज राइस को व्रीही बोला जाता था, ये मैंने पहले ही बताया है, और वीट को गोधूमा बोला जाता था। ये क्वेश्चन गाइज एनडीए में पूछ चुके हैं, यूपीएससी मेन स्टेपल डाइट थी। इसके साथ साथ गाइज वो मेटलर्जी भी प्रोमिनेंस पे थी, टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना जानते थे वो। श्रेष्ठिन क्या था गाइज, गिल्ड को बोलते हैं श्रेष्ठिन। गिल्ड क्या होता है, मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट पोट्री किससे इंपॉर्टेंट से वो एक्वेंटेड थे गाइज, वो एक्वेंटेड थे पेंटेड ग्रेवेयर से, ब्लैक एंड रेड, इससे पहले आया था वो, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और रेड वेयर, ठीक है। चलिए गाइज, गोत्र गाइज कहाँ पे मेंशन है आपके अथर्ववेद में, पुरुष सूक्त गाइज ऋग्वेदा में है, 10th मंडल में, पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। सभा और समिति किसके अंदर मेंशन है गाइज, वो भी अथर्ववेद में है, लेटर वैदिक पीरियड का टेक्स्ट है ये, ओके। त्रिमूर्ति का जो डॉक्ट्रिन है वो भी आ गई थी, मैत्रेयानी उपनिषद में मेंशन है। सत्यमेव जयते है वो आपके मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है जी। चलिए गाइज, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स वो ऋग्वेदा के 10th मंडल में लिखा है, 10th मंडल का मतलब है ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर आया था, ठीक है जी। ऋग्वेदा जो श्रुति था, जो इस टाइम के टेक्स्ट हैं, जो भी सोर्सेज हैं, वो सभी स्मृति हैं, ठीक है। इसको रिमेंबर करना पड़ता था, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता थे, इसको हमारी एजुकेशन की तरह पढ़कर नॉलेज को डेवलप करना होता था, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाले टेक्स्ट नहीं थे, वो सिर्फ ऋग्वेदा था, ओके। और इस टाइम पे गाइज रामायण, महाभारत और धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ये सभी टेक्स्ट लिखे गए थे, ठीक है जी। एक उस टाइम की जो गाइज लैंग्वेज है उसको कोडिफाई किसने किया था, पाणिनि ने किया था। उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो थी अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाइए गाइज, जो ऑथर्स होंगे उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो सभी आएगा यहां पर। अर्पित सर को बोलिए गाइज एक बार, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे सभी नोट्स पीडीएफ फाइल्स में, ठीक है। मैं अभी उनको रिमाइंड भी करवा दूंगा। और पतंजलि ने गाइज महाभाष्य लिखी थी, महाभाष्य वो भी संस्कृत की ग्रामर के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग है, ओके। सो संस्कृत ग्रामर एक पाणिनि और एक पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, इंपॉर्टेंट है गाइज। एन नंबर ऑफ टाइम्स बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, एन नंबर ऑफ टाइम्स,
ये क्वेश्चन पाणिनि के अष्टाध्यायी पतंजलि की महाभाष्य मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां होगा मैं रोक दूंगा। ये गाइस क्वेश्चन इसी सेम ईयर आया था एनडीए 2 में गाइस। उस टाइम पे जो लैंग्वेज के बेसिस पर कौन कौन सी फैमिलीज हैं, इंडो यूरोपियन फैमिलीज, ओके, द्रविडियन फैमिली, उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली और तिब्बतियन बर्मीज फैमिली। तो जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है उसका 75% जिसके अंदर लैंग्वेजेस है गाइस आपकी हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी ही, असमी, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी एक्सेट्रा, वो सभी गाइस इंडो यूरोपियन का पार्ट है। द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सी है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड टुलू, ये सभी गाइस द्रविडियन लैंग्वेजेस है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है, 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बोलती है। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में आपकी खासी लैंग्वेज है, खाड़िया, सवाना, हो, मुंदरी, संथली, ये सभी लैंग्वेजेस बोली जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप के अंदर। और टिबेटो बर्मीज जो लैंग्वेजेस है वो भी 1% है जिसके अंदर से भी गाइस। मणिपुरी, बोडो, तिरुपुरी, गारो, कार्बी, सेमा, ये सभी लैंग्वेजेस इसमें आती है। यहाँ से क्वेश्चन इस साल आया था, जिन्होंने अच्छे से दिया था वो इसको समझ लीजिए। मैंने गाइस प्लिस्टोसीन पीरियड से स्टार्ट किया था, प्लियोलिथिक एज से, ठीक है, 5 लाख ईयर्स पहले मैंने वहां से स्टार्ट की थी अपनी क्लासेस। आपने अटेंड क्यों नहीं करी गाइस? 5 लाख ईयर्स पहले के इवेंट्स क्या थे, कहां से हम यहां तक पहुंचे हैं, ये सभी मैंने डिस्कस किया था गाइस। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आज मैंने महाजनपद भी कराना था आपको, लेकिन मैं अब वो करवाऊंगा गाइस आपको कल, ओके, क्लियर है गाइस? चले गाइस, एक बार लाइक कर बढ़ा दीजिए गाइस, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, बार बार बोलता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है गाइस, 250 लाइक्स तक लेके जाइएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको, इन वीडियोस को। और गाइस कल ज़रूर आइएगा, कल MCQs करवाऊंगा मैं पहले, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल 50 questions, और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़ा टाइम बिल्कुल लगेगा, मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है गाइस। चले गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, हाँ, अच्छे से सो जाइए, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।